मैंने अपनी बाइक पर इतने छोटे छोटे मॉडिफिकेशन किए हुए हैं तो किसी को अंदाजा ही नहीं लगेगा। साइड बाई साइड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MT-15 एंड यामा RX 100 कैसे लग रही है, दोनों यूकी कंपनी की बाइक है यामा। हाँ और व्हाट्स अप एवरीबॉडी, शो बाय नी बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो अपनी MT में मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। वैसे तो मैंने मॉडिफिकेशन वीडियो पहले भी बनाई हुई है बट वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी उसकी वजह से मैंने नहीं डाला। बट आज हम लोगों को रेडिएटर पर एक गार्ड लगाना है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये लोग। तो रेडिएटर वाला गार्ड 2 या 3 दिन पहले ही मेरे घर पर आ चुका था, जो ये रहा, बट मैंने इसको लगाया नहीं क्यों, बस ऐसे ही क्योंकि अपनी MT-15 जो है ना वो पिछले 5 दिन से ना भाई ऐसी पड़ी हुई है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज हम लोग ट्राई करेंगे इसको लगाने का। अगर हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो हम लोग जाएंगे किसी गैराज में एंड वहीं से लगा देंगे। और एक चीज़ है कि 2 या 3 दिन में मेरी बाइक की सर्विस आ जाएगी। बट किलोमीटर इतने ज़्यादा हुए नहीं है फिर भी हम लोगों को सर्विस करवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर भाई फ्री वाली सर्विस चली जाएगी। एनीवेज चलो अभी सुबह के 1 बज रहे हैं, वो गड़ी बड़ी बिगड़ी हुई है। ये रहा मेरा एक्सोर का हेलमेट जो पिछले 4-5 दिन से बस धूली खा रहा है, एंड ये रहा शेरू जो हर रोज शाम को धूल में खेलकर आ जाता है। शेरू ये वाली दिक्कत पता नहीं कब ख़त्म होगी डूड। ये इसका रबर ना बाहर निकल आता है तो इसको सही करना पड़ेगा अभी। तो ये है रेडिएटर गार्ड जो यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा, बट अभी फ़िलहाल मुझे इसको सेट करना पड़ेगा कि कैसे इसमें इसको लगाऊँ। अभी हम लोगों को फिलहाल एक रेंच चाहिए रहेगी जो वो स्क्रू को अनस्क्रू करेंगे एंड वहाँ पर लगाएंगे। और देखिए हमारे पास एक स्क्रू पड़ा हो तो हम लोग वहीं पर लगा लेंगे क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। 5 दिन के बाद हम लोग अपनी MT-15 को स्टार्ट करने वाला है, तो ये सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट रहेगा। चलो भाई लग जा, इसको ऐसा करना पड़ता है। हाँ ये देखो ऑन हो गई और कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ भाई ये देखो इस वाले स्क्रू को अनस्क्रू करने के लिए हम लोगों को एक 10 नंबर का पाना लगेगा। चलो भाई ये वाला स्क्रू तो निकल गया, लगेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर। और हाँ यही वाला स्क्रू है जो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे और ये हो गया भाई। एक ये वाला जुगाड़ मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मेरे पास एक वॉशर या कुछ तो रहता है जो ऐसा कुछ आता है, ये देखो यहाँ पर एक ऐसा है, तो यहाँ पर मेरे पास है नहीं इसकी वजह से मैंने ये लगा दिया है। बट वो अभी यहाँ पर फिट होगा या नहीं होगा कुछ मालूम नहीं है, बट ट्राई करते हैं। एक छोटी की चीज़ की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, वैसे तो 2 या 3 रुपये में वो चीज़ मिल जाएगी। फाइनली एक गराज से हम लोग को मिल गया है एंड चलो भाई अभी इसको यहाँ पर माउंट कर देते हैं। एंड ये चीज़ ना भाई यहाँ से मिली है। सेट करना पड़ेगा इसको। ओके चलो हो गया। तो अभी बज रहे हैं 5:10 एंड मैं ऋतिक जा रहा है सूट पर और आराम से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये लोग यहाँ पर सो रहे हैं भाई गलती हो गई तकलीफ हो गई भाई। भाई मैंने देखा ही नहीं भाई कि उसका पैर है वहाँ पर एंड ये हेलमेट में ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, दिखता कम है बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इसलिए अच्छा है, वरना प्रॉब्लम हो जाता।
आज पता नहीं क्यों धूप थोड़ी कम है और गर्मी ज़्यादा लग रही है, वरना दो दिन से तो भाई बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। फाइनली हम लोग जगह पर पहुंच चुके हैं, शायद से हम लोग यहीं पर वीडियो बनाएंगे। और ये देखो भाई क्या रोड है, और ये टुक टुक आ गया भाई इधर तो। साइडिंग पर लगाते हैं पहले बाइक या फिर ऊपर चलते हैं। तो ये रही वो रोड जो हाईवे स्टार्ट हो गया, एंड अभी हम लोग ये वाले रोड पर वीडियो नहीं बना सकते। साइड बाई साइड आप लोग लुक देख सकते हो MT-15 एंड ये रही यामाहा RX-100 जो है ब्लू कलर में। वैसे MT-15 भी ब्लू कलर में आ रही थी, बस मुझे ब्लू कलर इतना ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसको ब्लैक में लिया है। सो वही भाई वीडियो चल रही है ना। हाँ यहाँ पर आप लोग व्यू देख सकते हो कितना बढ़िया आ रहा है, एंड ये रोड तो आप लोग देख ही सकते हो कैसे लग रही है। और कुछ नहीं भाई, अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे 5-10 मिनट, एंड उसके बाद सन थोड़ा सा डाउन जाएगा ना तब हम लोग वीडियो बनाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि साइड बाय साइड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MT-15 एंड यामाहा RX-100 कैसे लग रही है। दोनों एक ही कंपनी की बाइक है यामाहा, और कुछ नहीं भाई लाइक कर देना। फ़ोटोज़ की बात करूँ तो एक दो फोटोज़ बहुत ही बॉम्ब आ चुके हैं, तो चलो यार फटाफट से एक ग्राउंड लगा कर आता है। अच्छा था, मुझे गियर शिफ्ट करना सीखना पड़ेगा थोड़ा, बाकी सब बढ़िया है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो यही से हम लोग यू टर्न ले लेते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल वापस से हमें जाना है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे। तो लेट्स गो फिर से एक बार फुल जोश के साथ। मज़ा आया, मज़ा आ गया। और ये देखो यहाँ पर मैंने अपनी बाइक पर इतने छोटे छोटे मॉडिफिकेशन किए हुए हैं तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं लगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये विंडशील्ड लगाई हुई है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा बॉम लगती है। और एक चीज़ जो मैंने आज सुबह ही लगाई, आप लोगों ने देखा होगा ये रहा रेडियो दरकार, तो मैंने ये दो चीज़ मॉडिफाई की हुई है अभी फ़िलहाल तो लगाई हुई है, एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ करूँगा भी नहीं। और एक यहाँ पर लगाने का आता है वो भी इसका प्रोटेक्शन ही बोलते हैं कि क्या बोलते कुछ मालूम नहीं, और वो हम देख मंगवाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इसका क्रैश गार्ड, इसका क्रैश गार्ड मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है अच्छी कंपनी का एंड अच्छी क्वालिटी का, इसी वजह से मैंने इसके ऊपर अभी तक क्रैश गार्ड नहीं लगवाया है, बट बहुत जल्दी मैं लगवा दूंगा। भाई रोड क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि सामने से एक फोर व्हील आ रही है।
और अभी आप लोग व्यू देख सकते हो कितना ऑसम आ रहा है। आप लोग देख सकते हो सामने भाई व्यू कैसा आ रहा है, एकदम ऑसम। और यहाँ से हम लोग फ्लाई ओवर नीचे उतरेंगे और कच्चा रास्ता आ जाएगा, तब भगाने में मज़ा नहीं आएगा। और ये लो हम लोग नीचे की ओर उतर गए। यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट मुड़ना है और यहाँ पर से भी व्यू बहुत ज़्यादा ऑसम आएगा क्योंकि बगल में कैनल है जिसमें पानी नहीं है। भाई पता नहीं ये लोग समर में पानी किधर डाल लेते हैं, यहाँ पर हमेशा ये वाली कैनल में पानी रहता ही नहीं है।